हेलो गाइस, मेरा नाम आपको पता है मुकरम खान है। तो गाइस क्या हाल है आपके? तो गाइस मैं बताता हूँ आपको, एक भाई ने सवाल किया है, एहतशाम शाह नाम है उनका। उन्होंने पूछा है आपके पास मिक्सर मशीन नहीं है। तो गाइस मेरे पास, जिसे मिक्सर मशीन को बोलते हैं, गेरो शेकर। तो गाइस हमने गेरो शेकर जानबूझकर नहीं लगाया है। तो गाइस गेरो शेकर नहीं लगाने की वजह सिर्फ इतनी है कि गेरो शेकर में लगी हुई थी एक पावरफुल मोटर जो कि शेक करती है। कोई भी बाल्टी वगैरह डिब्बा हम उसमें लगा दें पेंट डाल के, तो वो शेक कर देती है उसे। तो गाइज़ हमने अपनी शॉप पर लाइट नहीं ले रखी है, हमने सिर्फ अपने शॉप पर छत पर लगा रखी है सोलर ऊर्जा की 3-4 प्लेट्स और एक बैटरी का इन्वर्टर लगा रखा है, जो कि सिर्फ हमारी मशीन और पंखा लाइट को चला सकता है, गेरो शेकर को नहीं चला सकता। इसलिए हमने गेरो शेकर नहीं लगा सकता लगा रखा। और गेरो शेकर की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, गेरो शेकर नॉर्मली रेट में आ जाता है। हमने अपने जो एक्सपेंस हैं, खर्चे, वो बहुत ही लिमिटेड कर रखे हैं, इसी वजह से हमने लाइट नहीं लगा रखी है। हम सोलर ऊर्जा से हमारा काम अच्छे से चल जाता है। आप देख सकते हैं सुकेम कंपनी का 500 वाट का हमारा इन्वर्टर है, एक बैटरा है, और देखिए सोलर का यह कन्वर्ट आ गया। तो गाइस ये हमारी नेरोलैक की मशीन जो आराम से चल जाती है हमारे इन्वर्टर से। तो गाइस आप देख सकते हैं एक पंखा, लाइट और कुछ लाइटें वगैरह, देखिए इधर भी हमने लगा रखी हैं, एक इधर है, दूसरी साइड भी है। ये हमारी चेयर है, काउंटर, और देखिए बराबर में सड़क है। तो वैसे शॉप हमारी बढ़िया रोड पर है, तो हमें और दिन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा उजाला रहता है, बगैर लाइट के ही काफ़ी उजाला रहता है गाइस, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती दिन में तो खास करके लाइट की। तो गाइस मैं आज आपको दिखाता हूँ मैंने सोलर की कितनी प्लेट लगा रखी है छत पर जाकर। तो गाइस देखिए हम अपनी छत पर आ गए हैं शॉप के, और ये हमारी सिर्फ 3 प्लेटें लग रही हैं, जो कि 180 वाट की एक प्लेट है और कुछ नहीं है। तो गाइस हमने अपने शॉप पर 2 इलेक्ट्रिक कांटे लगा रखे हैं, एक ये रहा और एक कांटा ये रहा। एक सवाल लेते हैं हम एक और, हमारी हिमांशु दीक्षित जी की तरफ से, उन्होंने लिखा है कि मैं कौन सी कंपनी की डीलरशिप लूँ, बर्जर या नेरोलैक। तो हिमांशु जी, कोई सी भी कंपनी की आप डीलरशिप ले सकते हैं जो कि आपके एरिया में ज़्यादा फेमस हो। देखिए हमने ले रखी है नेरोलैक की और ब्रिटिश की, तो हिसाब से हम रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नेरोलैक का, जो माल जो है नेरोलैक का बिक सकता है ज़्यादा वो हम नेरोलैक का रखते हैं, जो ब्रिटिश का बिक सकता है ज़्यादा तो वो ब्रिटिश का रखते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में ज़्यादा पकड़ है। हिमांशु जी मैं आपको बता दूँ, देखिए हमने नेरोलैक की मशीन ले रखी है, तो हमने जो है इसका नेरोलैक के बेस ले रखे हैं, सुरक्षा प्लस का बेस और एक्सल का बेस। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर नेरोलैक की ज़्यादा पकड़ है, इस वजह से हमने इनामिल जो होता है वो भी हमने नेरोलैक का ही ज़्यादातर ले रखा है। और देखिए पानी वाले जो पेंट है 1 लीटर वाले, वो हमने 1-1 लीटर में अलग अलग कलर के जो होते हैं, ये हमारे पास ब्रिटिश कंपनी के ज़्यादा हैं। वैसे नेरोलैक के भी हैं हमारे पास, ब्रिटिश के ज़्यादा हैं। गाइस हमारी शॉप पर आ गए हैं कस्टमर, थोड़ा सा इन्हें डील करते हैं फिर बनाते हैं वीडियो। बाल्टियों की बात की जाए हम पेंट की, तो गाइस हमारे पास सभी कंपनियों का मिक्स मसाला है। देखिए ब्रिटिश के देखिए आपने, नेरोलैक की है 3-4 वैरायटी, और एशियन पेंट्स की है, एस है, अपेक्स है, देखिए पीछे नीचे रखा हुआ है, इधर भी रखा है अपेक्स। और गाइस बर्जर की भी है, वालमस्टा वगैरह, और ये आपका शालीमार वगैरह आ गया, और भी है 3-4 क्वालिटी और भी हैं। तो गाइस आपको जो पेंट की बाल्टियाँ रखनी पड़ेंगी वो पब्लिक की डिमांड पर रखनी पड़ेंगी, जिसकी डिमांड आएगी आप वो रखेंगे। और गाइस मैं बता दूं, ज़्यादातर सभी बिक जाती हैं, जो भी आप रखेंगे वो बिक जाती है। जो आपके एरिया में ज़्यादा पकड़ है आप उसकी ज़्यादा रखें, और जिसकी कम पकड़ है उसके कम पीस रखें। और गाइस देखिए ऊपर आप देखेंगे तो ये भी हमने जो है इनामिल पेंट हमने ज़्यादातर नेरोलैक का रख रखा है, और देखिए ब्रिटिश का लकड़ी का प्राइमर है, लोहे का प्राइमर वगैरह, बर्जर का है, तो ये भी हमने मिक्स में रख रखा है। और गाइस आप इधर सामने हमारे खाने पर नज़र डालेंगे तो इधर भी हमने जो है देखिए बर्जर का इनामिल भी थोड़ा बहुत रख रखा है, बाकी नेरोलैक का रेड ऑक्साइड है हम पे, ब्रिटिश का रेड ऑक्साइड है, शालीमार का रेड ऑक्साइड है, शालीमार का वुड प्राइमर है, बर्जर का वुड प्राइमर है। तो गाइज इस तरीके से हमने मिक्स मसाला कर रखा है सब। गाइज अगर आप हमारी ये वाली अलमारी की बात की जाए, तो इसमें हमारा बिजली का सामान है, और भी हमारा एग्रीकल्चर और लकड़ी के सामान वगैरह, पेंट का सामान, इस तरह का जैसे रेगमाल हुआ, पतरे हुए, ब्रश है, इस तरह के आइटम, बिजली फिटिंग का सामान, ये सब हमने मिक्स मसाला इसमें भी भर रखा है। तो आप इस एंगल से देखेंगे गाइस, तो देखिए ये हमारे कुट्टी मशीन के गंडा से हैं, भैंस की जंजीरें, जेब नाथ, जेबड़ा वगैरह, इस तरह का आइटम, रोलर,
तारपीन, और गाइस ये नेरोलैक मशीन में पड़ने वाली स्टेनर्स हैं, और ये हमारे छोटे इनामिल 100 ml 200 ml में सब हमने नेरोलैक कंपनी के ही रख रखे हैं। और देखिए अगर आप स्टेनर की बात करें तो स्टेनर हमारे पास ज़्यादातर कामधेनु कंपनी की हैं, कॉम्पटेंट की। ये ज़्यादातर हम कुछ नेरोलैक भी बेचते हैं, ज़्यादातर कामधेनु की बेचते हैं। गाइस ये हमने बीच वाली अलमारी को बिजली का सामान, बिजली फिटिंग का जो सामान होता है उसके लिए बना रखी है। देखिए हमारी शॉप पर आपको धूल ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि बिल्कुल रोड किनारे है, तो धूल ज़्यादा बहुत ज़्यादा आती है इधर। अगर पीछे आप ऊपर की साइड देखेंगे तो हमने गार्डन पाइप भी रख रखे हैं। हमारे पास गार्डन पाइप की सेल ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा जो एरिया है वो नर्सरी जो होती है प्लांटेशन उसका एरिया है, तो यहाँ पर पेड़ पौधों की वजह से गार्डन पाइप बहुत ज़्यादा बिकता है। आप उसी तरह का सामान ज़्यादा रखें अपने शॉप पर जो आपके पास ज़्यादा सेल हो। तो गाइस आपको हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।